केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए कुल 90,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 44,765 पुरुष मतदाता है, जबकि 45,565 महिला मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 4 नवंबर को नाम वापसी की तिथि घोषित की गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 90,540 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं, 45,775 महिला मतदाता हैं। 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता होंगे। बूथ संख्या जो है वो 173 पोलिंग स्टेशन पूरे विधानसभा में तैयार किया जाएगा और 166 पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टियां होंगी एक दिन पहले रवाना होंगी और बचे हुए 7 पोलिंग पार्टी के पोलिंग स्टेशन की पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं की जो संख्या है वो 1092 है, 1092, और जो 85 ईयर से अधिक मतदाताओं की संख्या है वो 641 है। सर्विस वोटर की जो संख्या होगी वो 2949 है, 2949।